अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपको आज बताता चलूँ कि ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ चीज़ों में आपको टिप्स दूँ ना कि एक ही चीज़ को लेके मैं असल में ज़्यादातर वाद्यात की वाद्यात अमिताभ जी की वीडियोज़ बनाता हूँ वो ज़्यादा मेरी देखी भी जाती है उसको पसंद भी किया जाता है और मैंने कुछ वीडियोज़ उस पर बनानी भी हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक्वेरियम के लिए टिप कि आप एक्वेरियम को क्लीन कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें किस किन किन चीज़ों का होना लाजमी है और सबसे पहले मैं आपको बता चाहूँ अभी देखिए कि अभी आपको इतना डार्क पानी नज़र नहीं आ रहा है ये शेड इसका येलो नज़र नहीं आ रहा उसकी वजह ये है मैंने इसमें गुड लाइट लगाई है अक्सर लोग जब फिश लेने जाते हैं वहाँ पर शॉप पर काफ़ी ब्राइट नज़र आती हैं मछलियाँ और जब घर आके घर के पानी में एक्वेरियम में छोड़ते हैं तो वो कलर चेंज कर जाती हैं उसका एक रीज़न ये होता है कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर लेवल चेंज हो जाता है आपको वहाँ से यहाँ लाने और पानी का जो है ना उनका हवा हवा चेंज होती है पानी तो उस वजह से भी कलर चेंज कर देती है और दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्ट जो है ना वो आपका पानी की लाइट है आपके घर में ज़्यादातर जिन लोगों को नहीं पता वो ऊपर कोई लाइट नहीं लगाते या वाइट लाइट लगाते हैं तो उससे जो है ना आपके पानी का कलर जल्दी पीला पड़ जाता है नज़र आता है कि साफ वाजिया नज़र आता है और दूसरा उसके लिए मैं आपको दिखाता चलूँ एक तो जब आपका पानी का कलर ज़्यादा येलो होता है आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट है जो आपके पानी को क्लीन करता है कंडीशनर वाटर कंडीशनर है ये और ये यूज़ कर सकते हैं दूसरा आपकी जब मछलियाँ सुस्त पड़ती हैं तो एक कलर चेंज कर रही होती हैं उसमें आपकी ग्रीन लिक्विड आया है ये जमीन के टैंकिंग है तो इसी लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं तो अल्लाह की वजह से आपके सामने दोबारा हाजिर होता हूँ अच्छा अजान करो मछलियाँ तो मछली में कलर चेंजिंग के हवाले से मैं आपसे बात करता तो ये लिक्विड उसके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रीन लिक्विड ये मिल जाता है ये तीन और ये लास्ट जो है एंटी क्लोरीन है ये जब आप पानी चेंज करते हैं फ्रेश वाटर होता है उसमें डालना ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी फिशिंग फिश जो है ना वो डैमेज ना हो या उनको जो पानी चेंज होने की वजह से जो क्लोरीन उससे उसमें पानी में बनती है वो साफ़ हो जाए ताकि आपकी मछलियों को खाना ना हो आपने देखा होगा अक्सर आप पानी चेंज करते हैं तो मछलियाँ मर जाती हैं ज़्यादातर वो छोटी मछलियाँ ज़्यादा मरती हैं बड़ी मछलियाँ फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं उसके लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ कि जब पानी आप सर्दियों गर्मियों में चेंज करेंगे तो आप 75-80% पानी चेंज कर सकते हैं दो दफ़ा आप पानी चेंज करें 80% पे या 75% पे करें तो ज़्यादा बेहतर तो ज़्यादा गंदा हो तो दो से तीन दफ़ा चेंज करें अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो आप एक दफ़ा चेंज करेंगे पड़ जाएगा कोई मसला नहीं तो दूसरा सर्दियों में अगर आप पानी चेंज करते हैं तो आपने सिर्फ 30% या 20% पानी चेंज करते हैं ज़्यादा चेंज नहीं करें उससे भी आपके मछली को नुकसान पहुँच सकता है अगली मछलियाँ आप देख रहे हैं थोड़ा पानी बदला हुआ है तो काफ़ी अच्छे से ही है मेरे पास और मतलब इसको तकरीबन साल से ऊपर हो गया तो माशाल्लाह ये अभी तक मेरे पास सेकेंड और इसके साथ हम काफ़ी मछलियाँ आई थी रूमाल की उसकी वजह ये कि मैंने भी पानी चेंज किया ज़्यादा चेंज किया तो उसमें थोड़ी सी डैमेज होती है तो दूसरी कोई मछलियाँ छोटी थी तो ये मछलियाँ ये दो मछलियों को खा गई तो अब मैं आप चलते हैं आगे तो पानी चेंज आपने किस तरह करना है और कितना करना है मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा सबसे पहले आप ये देखिए मेरा फिल्टर बंद है जिसकी वजह से ये पानी बंद अभी हुआ है और अगर मैं पानी को हिलाऊंगा अगर मैं पानी को हिलाऊंगा तो आप देख सकेंगे वाजिया कि कितनी डस्ट है पानी में अब सबसे पहले आपको इसके लिए एक बाउल ये डोरी जो होता है बाउल की आप कोई बाल्टी ले लें जो आप बाद में धो के रख सकते हैं यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए तो दूसरा ये लंबा पाइप आपके पास होना ज़रूरी है छोटा भी हो तो कोई मसला नहीं है लेकिन ये लंबा पाइप इस देख सकते हैं कि कितनी डस्ट है उनका गम कितना ज़्यादा है ये सब आपको दिखाने के लिए मैंने कहा इसमें डाला है फिलहाल और मैं सबसे पहले एक काम करूँगा आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे अपनी ब्लू लाइट बंद करूँगा
मैं यहाँ पे ब्लू लाइट ऑफ करने लगा हूँ तो आप देखें कितना वाजिया फर्क नजर आ गया। आप देखें यही चीज आपको अपने एरिया में मिलती है। जो शॉप्स पे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगाई होती हैं पानी को ब्राइट करने के लिए, जो आपको पानी साफ का साफ नजर आता है, मछलियों का कलर चेंज नजर आता है। तो अभी आपके सामने है कि येलो शेड आ गया पानी का, और अब मैं आप देख सकते हैं वाजे आप बिल्कुल येलो शेड है, पानी गंदा है जो कि ब्लू लाइट पे नजर नहीं आ रहा था। अगर फिलहाल इसकी लाइट सबसे पहले इसका फिल्टर उतारूंगा जो सबसे ज्यादा गंदा है, ताकि मैं पानी चेंज करूँ तो इसमें फिल्टर साथ साथ साफ करता रहा। फिल्टर गंदा होने की वजह से जो है ना बिल्कुल बंद हो गया था। अब मैं इसको उतार के लगाऊँ, सबसे पहले फिल्टर को निकालूंगा कि आपके सामने है इसमें ये क्लीनिंग फिश जो है वो चिपकी हुई है, जो कि पानी को और ये शीशे पेनियम के शीशे को साफ करती है। ये भी आपके लिए बहुत स्मेल है पानी इस वक्त कंप्यूटर से चेंज किया था। और ये आप यहाँ पे फिश मैं पानी साफ करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ब्लैक कलर की फिश आती है वो स्वीपर के जाती है, वो आपकी एक्वेरियम में आप डालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपके शीशे को साफ करती है। मैं शीशा खुद साफ नहीं करता, वही साफ करती है अंदर से। तो आपके शीशा गंदे होने की अंदर से वजह ये भी है कि आप वो स्वीपर फिश नहीं डालते, जिसकी वजह से जो है आपका शीशा अंदर से गंदा हो जाता है। वो आपको कपड़े से या किसी चीज़ से साफ करना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि आप ये स्वीपर फिश ले आएँ, एक भी काफ़ी होती है लेकिन मैंने दो डाली है, वो ज़्यादा अच्छा अच्छी सफाई करती है। सब चीज़ों की सफाई, बजरी की सफाई, शीशे की सफाई, फिल्टर के ऊपर की गंद की सफाई, सारा साफ करती हैं वो। तो वो फिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्वेरियम के लिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चला दिया और पानी खींच रहा है, खुद ही खींच रहा है। मैंने कोई मोटर कुछ भी नहीं लगाया वहाँ से, सिर्फ दूसरे सिरे से मैंने उसे पानी खींच के और फर्श पे डाल दिया। और देखिए यहाँ से लेवल पानी का काम हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, इसलिए मैं ज़रा एहतियात करूँगा। मैंने ज़्यादा फिल्टर साफ करने आप बिल्कुल भी मैं आपके सामने ही साफ करूँगा, बिल्कुल साफ़ नहीं करते वैसे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मेरी मछलियाँ थोड़ी सी आदी हो गई हैं इस चीज़ की। अगर पानी भी थोड़ा सा हिलाऊँगा ताकि गंदा पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं नीचे से गंद उठ रहा है, इतनी गंदी स्मेल है इस पानी में। मैं वहां पे पाइप को घुमा रहा हूँ जहां से ज्यादा गंद उठ रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गंद रहेगा वो निकल जाए इस पाइप के जरिए। अब मैं इसका 80% पानी कम करूँगा, फिर वहीं से उसको नल की टूटी में लगा दूँगा, नल में लगा दूँगा ताकि पानी वहाँ से वापस आना शुरू हो जाए फ्रेश पानी। मैं गंदा पानी निकाल रहा हूँ और नलके में लगा के फ्रेश पानी इसमें डालूँगा। इसमें मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि डोल लाऊँ, डोल से बार बार निकालूँ, पाइप से मुझे ये फ़ायदा होगा। देख सकते हैं कि पानी का लेवल कम हुआ है तो मछलियाँ बेचैन हो रही हैं, वो तैरने में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। ये रही मेरी स्वीपर फिश, ये देखें इसने इतना गंद उड़ाया है, ये सारा गंद मैं खींच को मत करूँ। अच्छा अब इतना काफ़ी है, अब मैं जाऊँगा और वहाँ से रिवर्स पानी चलाऊंगा। अच्छा अब आप देख सकते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की, मैंने पाइप वहाँ पे नल में लगा दिया और वापसी पानी जो निकला था वैसे ही वापस आना शुरू हो गया। और जैसे ही यहाँ तक फुल होगा मैं इसको एक दफ़ा कम से कम मदद कर दूँगा, क्योंकि मेरा ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप देख सकते हैं पानी नीचे जहाँ गिर रहा है वहाँ से कितनी गंद होती है, कितना गंद होता है। तो और पानी मेरा पीला भी है, इसको मैं एक दफ़ा और साफ करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा ताकि पानी से गंद सारा निकल जाए।
अब धीरे धीरे ये पानी फुल हो रहा है, मैं लगाते हैं तो आप एक चीज का ख्याल रखना कि इतना पाइप पकड़ के खड़ा हो कि देखिए मेरा पाइप नीचे गिर गया था तो सारा पानी बाहर कर गया। अभी 80% हो चुका है, मैं वहां से जाके चेंज करूंगा, वहां हल्के में लगाऊंगा और पानी वापस सीधा पीस गया था। और ये सारी बच्ची की वापस आना शुरू हो गई है, वापस आने जो पाइप में फंस चली गई थी, थोड़ा सा हिलाऊंगा। सारी बच्ची वापस जा रही है। अब ये पानी इसी तरीके से फुल होगा, जितना काम करते उतना अच्छा। अच्छा इसमें थोड़ी बहुत अभी गर्त है, वो मेरा फिल्टर साफ कर देगा और मैं जो वाटर कंडीशनर डालूंगा और फिल्टर के साथ वो अभी फिल्टर आपने इस तरीके से लगाना है, ये चौड़ा वाला साइड फ्रंट पे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये काम खींच सके। अच्छा फिल्टर लगाते वक्त आपने ख्याल ध्यान रखना है कि ऊपर पानी से सिर्फ 1 इंच नीचे हो या 1.5 इंच, उसकी वजह यह है कि ज़्यादा नीचे आप जब फिल्टर करते हैं ना तो फिल्टर सही तरीके से काम नहीं करता, जल्दी बंद हो जाता। फिल्टर सॉरी मैंने पाइप तो लगाया नहीं जो बाहर से पानी खींचता है, तो बाहर से हवा खींचता है। फिल्टर लगाते हो इस चीज का ख्याल रखना है कि फिल्टर की जो मोटर है वो पानी के अंदर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है चल चल के तो जलने का खतरा होता है। तो अब आपके सामने है ये एक्वेरियम, अभी ये डस्ट उधर उड़ रही है, सारा एक्वेरियम साफ कर लेगा, मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा। और अब मैं इसकी फिनिशिंग, अब देखें आपके सामने पानी का कलर हल्का सा ऑफ वाइट है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा ब्लू लाइट, अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ एंटी क्लोरीन, क्योंकि मैंने पानी अभी चेंज किया है तो ये थोड़ा सा जरूरी है। इसकी मैं तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप्स डाले हैं, क्रीम बड़ा है। और दूसरा मैं इसमें ऐड करूँगा वाटर कंडीशनर, ये एक किस्म का आप पानी का नील कह लें, इसको डालने से आप फर्क देखिएगा। अभी ग्रीन लिक्विड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मछलियाँ माशाल्लाह से एक्टिव हैं और दाना मैं 2 टाइम डालता हूँ, एक सुबह 7 से 8 बजे तक और एक शाम को 5 से 6 बजे के दरमियान, बाज़ औक़ात दिन में भी डाल देता हूँ, लेकिन यह कि जब मछलियाँ ज़्यादा दाना मांग रही होती हैं, दाना मांगने की निशानी यह है कि आप जब रूम में इंटर होंगे या एक्वेरियम के पास होंगे तो मछलियाँ फ़ौरन से शीशे के सामने आ जाती हैं, बार बार आगे पीछे मूव करती हैं तो वो आपसे दाना मांग रही होती हैं। अब मैं इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ दूंगा,
खड़ी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह शेड कितना चेंज हो गया है, पानी फ्रेश हो गया है। और इसमें ये चीज़ कि जितनी देर फिल्टर चलेगा, और फिल्टर को बंद करना भी थोड़ा सा लाजमी है एक घंटे के लिए, ताकि ये जो डस्ट उठाया बारीक डस्ट है वो थोड़ी सी बैठ जाए बजरी के अंदर, जज्ब हो जाए। तो अभी फिल्टर चल रहा है, जितनी मोटी गर्द है वो सारा वो जज्ब कर लेगा। उसके बाद मैं एक घंटे के लिए फिल्टर बंद करूँगा ताकि जो बारीक डस्ट है वो सारी जो है ना बजरी के बीच में चली जाए, तो उससे आपका एक्वेरियम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब इसमें जो फ्रेश मछलियाँ लाते हैं तो उसमें कहते हैं कि समुद्री नमक डालना लाजमी होता है, तो डाल भी दें तो बेहतर है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि देखें आपके सामने है कि मैंने कोई समुद्री नमक नहीं डाला। उसके बीच में आपको एक करीब से व्यू दिखा देता हूँ।